हम व्यूअर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने जो भी इस वीडियो में सेक्स के बारे में या मास्टरबेशन के बारे में बता रहा हूँ, किताबों के भरोसे और इंटरनेट के द्वारा मैंने सर्च किया और किताबों में पढ़कर लोगों को नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, इसे गलत निगेटिव में ना ले तो, और वीडियो को पूरा देखें। एक हमारे व्यूअर्स ने कमेंट किया है कि सेक्स इज गुड और नॉट, सेक्स सही है या गलत है, सेक्स हमारे लिए उचित है या नहीं, और किया है कमेंट कि मास्टरबेशन इज गुड और नॉट। मैं उनका व्यूअर्स का नाम नहीं बताऊंगा यार, क्योंकि वो कमेंट मैंने छिपा दिया, हिडन कर दिया है कहीं ना कहीं। तो आप लोग चेक भी करना चाहो तो नहीं चेक कर सकते, क्योंकि मैंने उस कमेंट को हाइड कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव पहुँचेगी। तो मैं तो इस सवाल का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा सवाल पूछ दिए तो बोलना, बताना तो पड़ेगा। देखो, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, सबसे पहले मास्टरबेशन के बारे में आपको बताता हूँ। देखो, जब भी हम लोग कोई ना कोई, बहुत लोग होते हैं जो, पहले मैं बता देता हूँ यार, यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई पॉर्न साइट नहीं देखता हूँ, कोई सेक्सी वीडियो नहीं देखता हूँ, कोई, मैं कुछ देखता नहीं हूँ यार, इसलिए मुझे गलत मत समझ लेना। मैंने जो भी नॉलेज से भरोसे और किताब के भरोसे पढ़ा है और कुछ नहीं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे हंसी के अलावा और कुछ नहीं आ रहा उनका कमेंट सुनने के बाद। क्योंकि ऐसे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो कि कमेंट करते हैं लोग, यार विश्वास नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने कमेंट में लिखा है कि सेक्स इज गुड और नॉट, मास्टरबेशन इज गुड और नॉट। देखो, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि लिमिट में कुछ किया जाए एज एन एक्सपीरियंस लेने के लिए, अगर आप कर रहे हो तो ये सही है, और अगर आप इसकी लस्ट लग चुकी है, लस्ट मतलब आप उसके ऊपर एडिक्शन एडिक्शन होते जा रहे, एडिक्शन होते जा रहे हो, देख रहे हो, मार रहे हो, हिलाते रह रहे हो, हिला रहे हो, हिला रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना, हिलाना, तो इस तरह का एडिक्शन हो जाता है। तो देखो दोस्तों, पहले बता देता हूँ कि हम जब भी कोई लड़के पॉर्न साइट खोलते हैं तो क्या होते हैं, पॉर्न साइट देख रहे हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब मोबाइल के स्क्रीन पर देखते देखते इमेजिनेशन की दुनिया में इतना ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं कि वो रियल लाइफ में मास्टरबेशन करने लगते हैं, उनके बारे में सोचने लगते हैं, उस लड़की के बारे में या उस लोगों के बारे में जिनके साथ वो संबंध, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, उनको देख रहे होते, चाहे मूवी पर देख रहे होते, हम कुछ वीडियो देख रहे हो, चाहे हम में भी प्रेशर आ जाता है, जोश आ जाता है, और हम लोग मास्टरबेशन कर लेते हैं, हस्त मैथुन करने लगते हैं। देखो, तो ये तो नेचुरल चीज़ है, इसकी कोई आपकी रुकावटें नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, एज एन एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर लिमिट में किया जाए तो ठीक है। एज आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो, जैसे एंटरटेनमेंट के लिए आप ऑन साइट देख रहे हो, तो ये सब हल्का फुल्का चलता है, और मैं एज ए फ्रेंड आपसे भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद ख़राब लगता है यार ये सब बात करने में, ये सब बात करने के लिए सोचना, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं गलत है। तो व्यूअर्स का जवाब है तो देना पड़ेगा, व्यूअर्स का सवाल है तो उन्होंने कहा कि अब बताओ सर भाई, आपकी मास्टरबेशन क्या होता है। तो देखो यार, मास्टरबेशन आज के डेट में सबको पता है, ये सब मुझे बताओ मत, ये सब जानबूझ के पूछ रहे हो, गलत गलत कमेंट मत करो, क्योंकि ये सब खराब चीज़ें, और ये गलत चीज़ें गलत इंटरेक्ट पड़ती हैं, क्योंकि लड़की भी वीडियो देखती है और लड़कियाँ भी वीडियो देखती हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये गलत कभी मत लेना निगेटिव में, कि मैं ये सब काम करता हूँ। देखो दोस्तों, पॉर्न साइट देखते हैं लोग, इमेजिनेशन की दुनिया में इतना चले जाते हैं कि चारों तरफ उनको लगता है कि वो लड़की हमेशा मेरे सामने खड़ी है, मेरी, और मैं उसको सेक्स कर रहा हूँ, खुद से मार रहा हूँ, तो उसे मास्टरबेशन हो गया। मास्टरबेशन आपको करने के कहीं ना कहीं फ़ायदे हैं, आप अपनी गर्मी को बाहर निकाल रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि गलत जगह अपनी ताकत को इस्तेमाल कर रहे हो। ताकत को सही इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि देखो, एक एक लड़का है जो मार रहा है, एक लड़का है जो पीट रहा है एक आदमी को ऐसे बिना मतलब के, और दूसरा आदमी है, जो तीसरा आदमी आया है वो उस आदमी को पीट रहा है उसे बचाने के लिए, दोनों तो पीट ही रहा है,
लेकिन एक ने तो बचाने के लिए पीटा और एक ने सिर्फ ऐसे मार रहा है किसी को। दोनों का तरीका अलग है, दोनों काम कर रहा है कि, लेकिन उसका मोटिव अलग है, कुछ काम अलग काम करने के लिए। इसी तरह अगर आप एनर्जी को गलत जगह वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आप खराब। अगर एनर्जी आपके पास इतना ही है तो एज एन एंटरटेनमेंट कर लो, खत्म कहानी। उससे ज़्यादा अगर लस्ट हो गया तो बहुत ही खराबी। इमेजिनेशन से बाहर निकल जाओ यार, इमेजिनेशन की वजह से कहीं ना कहीं लोग और दलदल में फंसते जाते हैं। यही होता है सेक्स का भोग। सेक्स आप जितना ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा बढ़ती रहती है। इसका ही कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप भूख लगी पेट भर के खाना खा लिया अब मुझे भूख नहीं लगेगी। तो लिमिट में करो तो ठीक है, एज एन एक्सपीरियंस कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप उसकी लत लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं ख़राब है। क्योंकि ज़िंदगी भर आप हिलाते तो नहीं रह जाओगे, और भी कुछ काम है ना। ज़िंदगी भर हिलाना तो नहीं ना है, ये देखते रहो कि हिला के तो अपने कैरियर पर बात तो नहीं ना कर रहे हो। अभी एज है, कैरियर पर बना लो, उसके बाद जो करना है कर लो। कि शादी आफ्टर मैरिज तो बात ये सब तो होता ही है, ठीक है। लौंडे को बड़ी जानकारी है, समझ रहा हूँ, कमेंट कर रहे हैं। लौंडे की जानकारी बहुत है, हमारे हमारे गांव में बोलते हैं कि साले लौंडे की जवानी हो गई, साले के विवाह कर दे उसके बाद देखते हैं। तो लौंडे को बहुत ज़्यादा जवानी चढ़ गई है, उसको ज़रा भूख मिटा दिया जाए। तो ये सब होता है दोस्तों, और कुछ नहीं है। तो देखो आप लिमिट कर रहे हो, लिमिटेशन के द्वारा कर रहे हो, लिमिट से कर रहे हो तो ठीक है। देखो कोई भी दवा अगर आप काम के लिए खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो एज ए लिमिट जितनी जो होते हैं हम कर रहे हैं तो वो ठीक है। लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं, एडिक्शन आपको हो रहा है कहीं ना कहीं उस चीज़ का, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो और कुछ नहीं। तो आप देखो उसको समझो, इमेजिनेशन से बाहर निकलो, ऐसे अपने माइंड को कंट्रोल करो, तभी आप इस चीज़ से झेल सकते हो। और कोई इसका इलाज नहीं, कोई दवा खा लिए माइंड फोर्स हो गया, ये सब साइड इफेक्ट करते हैं। अपने मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए तरीका, हाँ कुछ अलग नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचो। देखो हम लोग खाली बैठते तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ में चले जाते हैं, तब कुछ अलग काम करते रहो, कुछ बुक्स पढ़ लो, एंटरटेनमेंट कर लो। कुछ अलग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, बहुत लोग पॉन साइट खोल देते हैं एंटरटेनमेंट क्या है जी, एंटरटेनमेंट के लिए। तो मैं भाई मैं देखता नहीं हूँ ये सब, ये सब मैं क्लियर कर देता हूँ यार, क्योंकि ये मत समझ लेना कि यार कि मैं देखता हूँ, नहीं तो मुझे ब्लेम करोगे कि हमारे यूट्यूबर ही देखता है तो मैं तो देखूँगा यार, क्योंकि मैं ये सब चीज़ को रिकमेंड भी नहीं करता हूँ अपने चैनल पे। मैं सिर्फ बता रहा हूँ इसलिए एज ए नॉलेज, ठीक है, मैं यही सब बता रहा हूँ और कुछ नहीं। तो आपको इमेजिनेशन से बाहर को निकल कर आपको अपने लाइफ के बारे में सोचना होगा कि अगर हम ज़िंदगी भर यही सब करते रहेंगे, हिलाते रह जाओगे ज़िंदगी भर मास्टरबेशन कर करके हिलाते रह जाओगे तो ज़िंदगी भर ये हिलाना तो नहीं ना है। और लाइफ में सवाल हमारा तो बचा हुआ है, ज़िंदगी तो और कुछ करने के लिए बचा हुआ है ना। तो ये इस इमेजिनेशन से बाहर निकलो, अभी अपने करियर पर ध्यान दो, ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इस चीज़ को बताओ लोगों के बारे में, बताओ लोगों को अपने वीडियो पर के द्वारा बताओ कि चीज़ लिमिट में किया जाए तो ठीक है, गलत ज़्यादा किया जाए तो एडिक्शन है, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।